दोस्तों आज हर एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट का सबसे बड़ा ड्रीम यही है कि फटाक से मुझे एक अच्छी रैपिड गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और जिसके लिए हर एक स्टूडेंट जी जान से मेहनत भी कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स इसी के साथ एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी जुड़ा हुआ है कि आज एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए हर एक स्टूडेंट को बहुत जबरदस्त स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बार बार फेलियर का मुंह देखना पड़ रहा है, एक हैवी कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ रहा है। और 80% स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये बनी हुई है कि भैया हम प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम देते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मतलब एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले तो ले कैसे। इसलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिसके बाद ये समझिए एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में ही है। बस जरूरी है कि इसके ऊपर आप अमल करें, इसके ऊपर थोड़ा सोचें, इसको अप्लाई करके देखें। गारंटीडली आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा और बहुत ही जल्दी आप एक अच्छी रैपिड गवर्नमेंट जॉब ग्रैब कर लोगे। देखिए फ्रेंड्स अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम देते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, फिर प्रिपरेशन करते हो, एग्जाम देते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। और इसी कमी को दूर करने के लिए आपको 60 डेज डेडलाइन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको अपने लिए 60 डेज की डेडलाइन बनानी पड़ेगी। फ्रेंड्स आपको 60 डेज को टारगेट बना के प्रिपरेशन करनी है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को। आपको 60 डेज के अंदर अपने अंदर से सभी कमी निकाल के फेंकनी होगी। आपको 60 डेज के अंदर खुद को फुल्ली प्रिपेयर्ड करना है। आपको इन्हीं 60 डेज के अंदर अपने फील्ड का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम फील्ड का सुल्तान बनना है। फ्रेंड्स खुद को चैलेंज कर डालो, चाहे कुछ भी हो जाए, डेली 5 घंटा पढ़ना पड़े या फिर 10 घंटा पढ़ना पड़े, लेकिन उठूंगा नहीं। 60 डेज के अंदर हर एक बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम को फोड़ने के लिए मुझे प्रिपेयर होना है। अब फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 60 डेज की डेडलाइन बनाने के लिए बोल दिया और आप 60 डेज की डेडलाइन बना के अंधाधुंध प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, शुरू से सिलेबस उठाया और सिलेबस को खत्म करने की रेस में लग गए। ये गलती नहीं करनी। सबसे पहले आपको अपने लिए एक स्मार्ट सिलेबस बनाना है। स्मार्ट सिलेबस का मतलब यह है कि एक ऐसा सिलेबस बनाना है जिसको एक बार प्रिपेयर करके आप बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम को फोड़ सको। चारों सब्जेक्ट की बुक अपने पास लेकर बैठ जाइए, कुछ बड़े और छोटे लेवल के एग्जाम का सिलेबस लेकर बैठ जाइए, उसको एनालाइज करिए और सब्जेक्ट वाइज एक अलग सिलेबस तैयार करिए जो कि होगा स्मार्ट सिलेबस, जिसको एक बार प्रिपेयर करके आप हर एक टाइप के लेवल के एग्जाम को फोड़ सकते हो, हर एक टाइप के लेवल के एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हो। तो एक स्मार्ट सिलेबस भाई बना लीजिए। यह नहीं होता कि कोई एग्जाम आया, फॉर्म अप्लाई किया, प्रिपरेशन कर फिर डिस्क्वालीफाई हो गए, फिर कोई वैकेंसी आई, फिर फॉर्म अप्लाई किया, फिर प्रिपरेशन करी, फिर डिस्क्वालीफाई हो गए। इस तरीके से यह लूप ऐसा ही चलता रहेगा। आपको एक स्मार्ट सिलेबस तैयार करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप हर एक एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। केवल एक बार की प्रिपरेशन, केवल 60 डेज की प्रिपरेशन, और कभी भी आपको स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से आप हर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर आपसे स्मार्ट सिलेबस नहीं बन रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक स्मार्ट सिलेबस लेकर आ जाऊंगा। और फ्रेंड्स जब आप इन 60 डेज में स्मार्ट सिलेबस को टारगेट करके प्रिपरेशन करते हुए चल रहे होंगे ना, तो आपको प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिंपल लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग नोट्स भी मेंटेन करते हुए चलना है। यानी कि जब आपकी 60 डेज की डेडलाइन खत्म हो रही होगी ना, तो आपके पास सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होने चाहिए जो कि आपने अपने अकॉर्डिंग लिखे हों, जो कि आपने अपने हिसाब से बना रखे हों। पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस को अपनी उंगलियों पर ले आइए, इन नोटबुक के अंदर अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर लीजिए, जिसके बाद सिलेबस आपके अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा। आपको कभी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा जो यूपीएससी एसएससी टॉपर होते हैं ना, वो कभी कभी लगातार 8-8, 10-10 घंटा पढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को चैलेंज दिया होता है। उनके रूम में आपको काफी सारी नोट्स बुक भी मिल जाएंगे, क्योंकि वो बिलीव करते हैं खुद के बनाए नोट्स के ऊपर उन्हीं के अकॉर्डिंग में चलते हैं। पूरे सिलेबस को वो अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, सिलेबस उनके हिसाब से चलने लग जाता है, जिसके वजह से हर एक एग्जाम को टॉप करते हैं, हर एक एग्जाम को फोड़ते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ आपको अपने लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि 60 डेज के अंदर मुझे डेली कितना पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं पूरे सिलेबस को कवर कर लूं, मुझे किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, मुझे कितने घंटे रात में पढ़ना है, कितने घंटे मुझे मैथ को देना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए इन 60 डेज के अंदर। साथ ही आपको एक स्ट्रॉन्ग
प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको खुद को एनालाइज करके देखना पड़ेगा कि भाई मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूं, कौन सा सेक्शन मेरा ज्यादा वीक है, मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक मुझे आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से कौन से टाइप के क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं कर पाता, उन सभी क्वेश्चन को अलग निकाल लीजिए, सबसे पहले उन्हीं को प्रिपेयर करिए। देखिए जनरल अवेयरनेस के अंदर कौन कौन से टॉपिक वीक है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आप खुद कवर नहीं कर सकते, कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी, आपको क्लासेस देखने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है कि डेली मुझे कितना घंटा पढ़ना है, डेली मुझे कौन से टॉपिक की कितने घंटे की क्लास लेनी है, ऑनलाइन लेक्चर मुझे देखनी है, सेल्फ स्टडी मुझे कौन सी बुक से करनी है, कितने घंटे मुझे सेल्फ स्टडी करनी है ताकि 60 डेज के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो जाए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया 60 डेज के अंदर किसी भी एग्जाम का सिलेबस कवर नहीं हो सकता, आपको पूरा सिलेबस कवर करने नहीं बैठना, पहले खुद को एनालाइज करके जितने भी टफ टॉपिक हैं जो आपसे नहीं आते, जिनमें आप वीक हो, उनको अलग निकाल लीजिए और सबसे पहले उन्हीं को कवर करिए। ये गलती नहीं करनी, जो आता है बार बार उसी को रटे जाओ, जो आता है बार बार शुरू से सिलेबस को उठाओ और आखिर में खत्म कर दो, नहीं जो स्पेशल है जिनके वजह से एग्जाम में आप हमेशा डिस्क्वालीफाई होते हो, पहले उसको कवर करिए भाई, थोड़ा सा यूनिक करना पड़ेगा, भीड़ से थोड़ा सा हटके चलना पड़ेगा, तब आप एग्जाम को फोड़ पाओगे, वरना इसी रेस में आप हमेशा लगे रह जाओगे। क्लियर है फ्रेंड्स? एक और पॉइंट आपके साथ कवर करना चाहूंगा जो कि आपको कम समय में एक अच्छी बड़ी जबरदस्त रैपिड गवर्नमेंट जॉब दिलाने में हेल्प करेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला काम है कि आपको अपना फील्ड एनालाइज करना पड़ेगा। आपका फील्ड क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका फील्ड है, इसको अच्छे से एनालाइज करिए। जैसे कि स्विम करने के लिए पहले आपको तालाब या फिर स्विमिंग पूल का एनालाइज करना होता है ना, आपको निरीक्षण करना होता है, उसकी गहराई देखनी होती है, कितना गहरा है, कितना पानी है, कितना ठंडा पानी है। तो इसी तरीके से अपने फील्ड को डीपली एनालाइज करिए। आपको देखना है कि साल में कितनी वैकेंसी आती है, किस किस टाइप की वैकेंसी आती है और कितनी वैकेंसीज के लिए आप इलिजिबल हो, और सबसे जरूरी है कि किस किस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो। साल में कितनी अननोन वैकेंसी निकलती है, साल में कितनी रिपीटेडली वैकेंसी निकलती है, आपको ये देखना है। किस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन किस तरीके का रहता है, किस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन हैवी रहता है, कहां पर कंपटीशन लो रहता है, अगर कंपटीशन लो रहता है उसके कारण क्या क्या है। जैसे कि कंपटीशन लो रहने के कारण होता है कि किसी किसी वैकेंसी में फॉर्म फीस बहुत ज्यादा रख देते हैं 1000-1500, जिसकी वजह से काफी सारे लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते। अगर आपको वो वैकेंसी पसंद है, आपको इंटरेस्ट है, खुद के ऊपर बिलीव है कि मैं इस एग्जाम को फोड़ सकता हूं, तो कहीं से भी अरेंज करके फॉर्म फीस अप्लाई करके आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, कॉम्पिटिशन कम मिलेगा, आप एग्जाम को फोड़ सकते हो। कई बार रीजन ये भी होता है कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ही मिनिमम वैकेंसी निकल जाती है, जो कि सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी हो, यूनिक पोस्ट होती है जिसके बारे में बहुत सारे लोग को पता नहीं होता, उसको एनालाइज करके उसके लिए फॉर्म अप्लाई करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस पोस्ट को आप फोड़ सकते हो। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी कि भाई ये नहीं कि आपने किसी एक वैकेंसी को टारगेट बना के बैठे हो कि भाई मैं तो एसएससी जीडी के लिए तैयारी करूंगा, मैं तो केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही दूंगा, उसके अलावा नहीं दूंगा, मैं तो केवल सीजीएल दूंगा। नहीं भाई, जितनी ज्यादा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो ना, सभी के लिए फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है, खुद को आजमाते रहिए, खुद को के लिए चैलेंजेस क्रिएट करिए, उनको फोड़ने में मजा आएगा, और जब आप चैलेंजेस को हिट करोगे ना तो आप एक्सपर्ट होते चले जाओगे, आपको एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो अगर आप इस अकॉर्डिंग चलोगे ना तो डेफिनेटली बहुत ही जल्दी आप फुल्ली प्रिपेयर हो जाएंगे, कितने भी बड़े लेवल का किसी भी टाइप का एग्जाम आपके सामने क्यों ना आ जाए ना, आप कभी भी नहीं हिचकिचाओगे, केवल एक ही सिंगल प्रिपरेशन के साथ आप उस एग्जाम को फोड़ के आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर हो जाना चाहिए, और अपनी कमेंट जरूर लिखिएगा, आपके थॉट्स जरूर लिखिएगा इस वीडियो के ऊपर। और आपको बता दूं, आपका जबरदस्त प्यार देखने को मिल रहा है, लगातार 8वें दिन फ्लिपकार्ट के अंदर ऑल प्रोडक्ट्स में इंडिया के अंदर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर वे टू सक्सेस की सामान्य अध्ययन वाली ये बुक चल रही है। फ्रेंड्स, 2020-21-22 के अंदर जितने भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, जो मोस्ट रिपीटेटिव जीएस के क्वेश्चन है, सीट वाइज डेट वाइज, वो सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो आप इससे अपनी हैवी प्रिपरेशन कर सकते हो, फुल्ली प्रिपेयर हो सकते हो जीएस के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट परचेज करके बुक को घर पर अवेलेबल करा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और सेकंड में मंडे के दिन स्पेशल एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर ही। बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए है, ऑब्वियसली बुक नहीं है, कुछ स्पेशल ही है, जिसके बाद इस बार आपका सीएचएसएल में सिलेक्शन पक्का है, ये मेरी गारंटी है। तो मिस मत करिएगा, 2 मई को वीडियो आ रही है शाम 5 बजे। तो चलिए दोस्तों,
मिलते हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, आजकल मैं वहां पर भी एक्टिव हूँ, सोनू अलावत के नाम से मिल जाऊंगा। मिलते हैं यार अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।